हाँ, यू कैन लोअर योर हैंड्स। ओके, तो पहले क्वेश्चन में क्या है, उसने बोला है कि एपरेंट एक्सपेंशन, तो एक तुम्हारे पास ना वेसल है, एक उसके अंदर लिक्विड है। जो वेसल होता है उसके लिए हमको अल्फा दिया हुआ होता है, राइट, और कंटेनर के लिए हमको दिया होता है गामा। तो इन दोनों को जब मैं कंटिन्यूसली मतलब एक साथ में हीट करूंगा, तो व्हाट विल बी द एपरेंट एक्सपेंशन। तो एपरेंट एक्सपेंशन क्या दिया हुआ है, गामा वन, तो गामा वन क्या बन जाएगा भाई बताओ, लिक्विड का ओरिजिनल, गामा ऑफ लिक्विड माइनस थ्री ऑफ अल्फा, याद है, क्योंकि जो अपना कंटेनर होता है उसके लिए तुमको कौन लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है, वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई बाय थ्री। सेम चीज अगर मैंने सेकंड वाले के साथ में किया तो गामा टू, मतलब एपरेंट एक्सपेंशन इन वो, तो लिक्विड मेरे पास में वो वही है ना। एक सेकेंड, इफ द कोफिशिएंट इन वेसल ए इज दिस, तो दिस इज लिक्विड माइनस, इसको मैंने बोल दिया अल्फा डैश, तो हमको अल्फा डैश की वैल्यू निकालनी है। तो यार हो जाएगा ना, ये तो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन वन इक्वेशन टू, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू कर दो, तुम्हारे पास में अल्फा डैश आ जाएगा। सेवन ओके, और बताओ। सेवन, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर्म बाय ए थिन कॉन्वेक्स लेंस। हाँ बताओ, थिन कॉन्वेक्स लेंस से तुमको इमेज बनानी है, डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, कैसे करोगे? सर फोकस पे डाल देंगे फोकस पर डालोगे तो इनफाइनाइट है ना, बन जाएगा ना यार। रेडियस मतलब तो इमेज कर्वेचर पे फोकस 2f पे डालेंगे, हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डाल देंगे। हाँ, लेकिन क्यों, हाउ विल यू प्रूव कि वही आंसर मेरा सही होगा? तो हमको नहीं पता क्या है, हमने बोल दिया ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो मेरे पास में है डिस्टेंस वो मैंने बोल दिया, मैं एक्स बोल दिया, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, सपोज यहां पे इसका इमेज बन गया, उसने बोला है इमेज कैसा बनना चाहिए, रियल बनना चाहिए, तो ये जो डिस्टेंस है, सपोज ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने बोल दिया एल, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना बन जाएगा, एल माइनस एक्स। अब फॉर्मूला लगाता हूं, तो फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ, तो वन बाई वी कितना है, एल माइनस एक्स, ये बन जाएगा प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन बाई एफ, ये हो गया। हाँ भाई सही है फॉर्मूला। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तुमको फोकल लेंथ ना दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, तुमको किसको मैक्सिमम किसको मिनिमाइज करना है इस फंक्शन में, एल को करना है ना मिनिमाइज, तो पहले मैं एल का फंक्शन तो निकालो, तो क्या बन जाएगा, वन अपॉन एल माइनस एक्स बन जाएगा, वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन एक्स, इसको उल्टा कर देते हैं, तो एल माइनस एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, वन ओवर एफ एक्स अपॉन वन बाई एफ माइनस वन बाई एक्स, और एल की वैल्यू बन जाएगी एक्स प्लस एक्स पर क्या हो गया, एक्स प्लस, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स अपॉन एफ माइनस एक्स, तो ये हमारे पास में एक्स का फंक्शन हो गया ना। अब मुझे इस फंक्शन का क्या निकालना है, मिनिमा, तो क्या करते हैं, डी एल बाई डी एक्स को क्या कर दोगे, हाँ उसको अपने डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर देंगे, तुम्हारे पास में एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तुम्हारे पास में एक्स की वैल्यू आएगी 60, तो एक्स की वैल्यू अगर कहते हैं 60 है, तो एल माइनस एक्स की वैल्यू भी 60 आ जाएगी, तो तुम्हारे पास आंसर बन जाएगा 120। और
हाँ और बताओ, और कोई? अरे बोलो सर, 14th में है। 14th में क्या हुआ? रिलेटिव मोशन लगाना है। उसने क्या बोला है? कोलिजन हो गई है। उसके बाद में इसको एब्सोल्यूट से करोगे बहुत लंबा हो जाएगा, इसको हम करते हैं रिलेटिव मोशन से। तो देखो उसने बोला है कि व्हेन बिग बॉल हैज कोलाइड द ग्राउंड, तो जब बिग बॉल, ये है बिग बॉल, जब ये कोलाइड करेगा तो बताओ इसकी स्पीड कितनी होएगी? रूट टू जी एच ऊपर की तरफ होएगी। ये देखो इसका स्पीड यहाँ की तरफ कितना है? रूट टू जी एच नीचे की तरफ। इसका ऊपर की तरफ कितना है? रूट टू जी एच ऊपर की तरफ, राइट? है ना भाई? इन दोनों को स्ट्रिंग से बांधा हुआ, इन दोनों को स्ट्रिंग से बांधा हुआ है। स्ट्रिंग का जो लेंथ है दैट इज एल एल। अब देखो, अब मुझे बताओ इन दोनों का कोलिजन कब होगा? निकाल सकते हो रिलेटिव मोशन से? अगर मैं इसको ए बोल दूं, इसको नहीं ना, मिड पॉइंट पे नहीं होगा क्योंकि पहली बॉल पे एक्सेलरेशन स्लो डाउन कर रहा है, ऊपर वाली बॉल को स्पीड अप कर रहा है। तो हमको नहीं पता कहां होगा, हमने अज्यूम कर लिया यहां कहीं होगा, हमको उससे मतलब ही नहीं है डिस्टेंस से। लेकिन अगर मैं दोनों का कारण रिलेटिव मोशन देखूं तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है? जीरो, क्योंकि उसके पास भी ग्रेविटी लग रहा है, इसके पास भी ग्रेविटी लग रहा है, कहानी खत्म, है ना? रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। तो मतलब कि इन दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कैसा रहेगा? सेम। तो इनका रिलेटिव जो वेलोसिटी है वो कितना आएगा? अगर मैं इसको ये बना दिया रेफरेंस फ्रेम, तो इसके रेफरेंस फ्रेम में इसका वेलोसिटी कितना बन जाएगा? 2 into √2gh, क्योंकि अपने अप्रोच कर रहे हैं ना। तो यहां से यहां तक आने के अंदर उसको कितना टाइम लगा बताओ? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? एल। और स्पीड कितना है? 2 into √2gh। अब क्या होगा? अगर इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? √2 into √2gh। तो जब इसके रेफरेंस फ्रेम में ये बॉल ऊपर जाएगी, ये मतलब वो रुक जाएगा। अरे नहीं, उसके रेफरेंस फ्रेम में। हाँ सर वही। हाँ हाँ, तो ये देखो, तो स्ट्रिंग कब टॉट होगी? जब ये बॉल इससे कितना दूर चली जाएगी? एल। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक के अंदर भी क्या आएगा टाइम? सर बट मास भी तो 4m दिया है, एल स्टॉप नहीं होगा ना उसके रेफरेंस फ्रेम में क्या? अरे जब इलास्टिक कोलिजन होती है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है। हाँ सर, दिया हुआ ना। हाँ, तो अगर मैंने इसको ऑब्जर्वर बना दिया तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? √2 into √2gh। तो वेलोसिटी ऑफ जो अपना सेपरेशन भी कितना होना चाहिए? इतना ही होगा, 2 into √2gh। और अन रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है, इसलिए मुझे एक्सेलरेशन के बारे में तो सोचना ही नहीं है। अब इन दोनों को ऐड कर दूंगा मैं। तो अगर तुम एब्सोल्यूट में करते हैं तो ग्रेविटी के चक्कर में पता नहीं कैलकुलेशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते। सो दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड एन रिलेटिव। हां सर समझ आ गया। और सर क्वेश्चन 19 में क्या किया? पर पहले तो वो COM से नॉर्मल लेंथ ले गए ना पर फोर्स के लिए। अरे भाई भाई देखो, कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब क्या होता है? बताओ बताओ बताओ। फोर्स और नेट टॉर्क को भी जीरो कर दिया। फोर्स भी जीरो और टॉर्क भी जीरो। टॉर्क भी जीरो, ठीक है। यस चलो ठीक है। अब इक्वेशन देखो, हर इंसान का अलग अलग हो सकता है लिखने का मेथड इस क्वेश्चन। एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे लगेगा टी, ठीक है। एक ये जो हिंज है ये मान लो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है नॉर्मल। एक यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास पे क्या लगेगा? एम जी। तो पहली इक्वेशन क्या बननी चाहिए? एम जी इज इक्वल टू एन प्लस टी।
पहली इक्वेशन तो बन जाएगी एम जी इक्वल टू एन प्लस टी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है, जीरो, राइट? हाँ भाई, अरे ठीक है, हाँ सर, हाँ। अब बताओ सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कहाँ पे आएगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, सेंट्रोइड पे होता है ना, एल बाय थ्री, हाँ। तो इसका जो सेंट्रोइड कहाँ पे होगा बताओ, यहाँ पे होता है सेंट्रोइड, हाँ सर। ये तो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तुमको दिया हुआ है एल, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी दिया हुआ है एल, ठीक है। तो बताओ सेंट्रोइड कहाँ होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री, ठीक है, 45 हो जाएगा, तो ये एंगल भी 45 डिग्री, ये तो कंप्लीट जो आएगी लेंथ वो कितनी बन जाएगी, ओ ए, एल बाई रूट टू, ओ ए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल बाई रूट टू, और वो जो है तुम्हारा सेंट्रोइड वो उसको 2:1 के अंदर डिवाइड करता है ना, हाँ सर। तो ये जो डिस्टेंस है कितना बन जाएगा, ये एल बाई, बताओ बताओ, रूट टू इंटू टू बाई थ्री, ये है ना, ठीक है, ओके। अब मैं पॉइंट ओ के अबाउट में लेता हूँ टॉर्क, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ शुड बी क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि तो टॉर्क ऑफ एम जी प्लस टॉर्क ऑफ टी शुड बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि जो नॉर्मल है वो तो उसी से पास हो रहा है, उसका टॉर्क तो जीरो हो गया। अब लिखते हैं इसका टॉर्क कहां की तरफ आएगा, टेंशन, टेंशन ऊपर लग रहा है ना, तो उसका टॉर्क तो ऐसा आएगा एंटी क्लॉकवाइज, क्या बन जाएगा, टी इंटू कितना डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन का, एल, ठीक है, एम जी का डिस्टेंस कितना आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये बन जाएगा एल बाई टू एल बाई थ्री रूट टू इंटू वन बाई रूट टू इंटू एम जी, तो यहां से अपना टेंशन का वैल्यू आ गया ना डायरेक्टली, बस टेंशन भी आ जाएगा नॉर्मल भी आ जाएगा, और फिर वो नॉर्मल का डायरेक्शन आपने कैसे डिसाइड किया भाई, बताओ जो भी हिंज है उसके ऊपर जो भी फोर्स लगेगा उसके मैंने कंपोनेंट कर लिया, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, राइट, बताओ क्या हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट होगा, अगर हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट हो गया तो सेंटर ऑफ मास मेरा हॉरिजॉन्टल में नहीं चला जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में और कोई फोर्स तो है ही नहीं, है ना, हाँ सर, बैलेंस करने के लिए नहीं, हाँ कोई है ही नहीं फोर्स बैलेंस करने के लिए, तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स को तो जीरो होना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा सेंटर ऑफ मास इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा, ठीक है ना, ओके, चलो ठीक है, बस अपने उस पे आते हैं, अपने वाले पे क्या कर रहे थे, कहां तक हो गया था अपना, कैलोरीमेट्री टू एंटी मॉर्निंग हीट ट्रांसफर वन एंटी मॉर्निंग, हाँ हीट ट्रांसफर स्टार्ट कर दिया मैंने, कंडक्टिविटी सीरीज और पैरेलल मैंने करवा दिया था, स्ट्रेट लाइन का फंक्शन भी निकाल दिया था, ठीक है, आ गया थे। तो आज जहां पे हमने छोड़ा था उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, तो हमने क्या क्या कर लिए थे, सीरीज और पैरेलल कर लिए थे ना, तो सीरीज और पैरेलल के ही क्या हमने उस टाइप के क्वेश्चन किए थे ना, वेरिएबल कंडक्टिविटी वाले, नहीं सर। चलो तो अभी सीरीज और पैरेलल के कुछ क्वेश्चन करते हैं तीन चार, उसके बाद में वो करते हैं, तो क्वेश्चन सपोज ये हमारे पास में एक रॉड है,
ये जो पॉइंट है, सपोज इसका मैंने बोल दिया टेम्परेचर T1, इसका मैंने बोल दिया टेम्परेचर T2, इस पॉइंट को बोल दिया x इक्वल टू जीरो, ये पॉइंट x इक्वल टू L, सपोज क्रॉस सेक्शन एरिया कॉन्स्टेंट है A, और जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी इज नॉट कॉन्स्टेंट, कंडक्टिविटी इज एज अ फंक्शन ऑफ x, तो कंडक्टिविटी इज समथिंग k इक्वल टू k नॉट 1 प्लस x by L, ये कोई ऐसा फंक्शन है। तो मुझे बताओ कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अपना डीक्यू बाई डीटी, कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है स्टडी स्टेट में, फॉर्मूला क्या होता है डीक्यू बाई डीटी का? हाँ हाँ भाई, डेल्टा टी बाय आर, तो वो हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब कि T2 माइनस T1 अपॉन, इस पॉइंट को सपोज मैं A बोल देता हूँ, इसको मैं B बोल देता हूँ, नीचे आएगा R, कहां से कहां तक का R, A से B तक का R, सपोज मुझे इस पॉइंट का वो निकालना है टेम्परेचर Tx, इस पॉइंट को सपोज मैंने बोल दिया P, अगर मुझे पॉइंट P का वो निकालना है टेम्परेचर, तो इसका कैसे निकालूंगा P का टेम्परेचर, जो भी हीट A से P तक जा रही है उतना ही हीट यहाँ, वही हीट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो मतलब क्या बन जाएगा, T माइनस T1 अपॉन कहां से कहां तक का रेजिस्टेंस, A से P तक का रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू T2, अच्छा मैंने हाई टेम्परेचर किसको माना है, T2 को ना, हाँ तो ठीक है, तो T2 माइनस T1 अपॉन R AB, तो बेसिकली हमको फाइंड क्या करना, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना भाई, बाकी तो हमको को टेम्परेचर पता ही है, अगर हमको रेजिस्टेंस पता लग जाएगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलो निकालते हैं रेजिस्टेंस, तो पहले हमको रेजिस्टेंस निकालना है A टू B, फिर हमको निकालना है A टू P, उनको इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, हमारे पास में आंसर आ जाएगा। बताओ कैसे करेंगे, एनीवन? सर एपी का लेंथ कैसे पता चलेगा? नहीं वो तुमको एक्स दिया हुआ है ना, मतलब एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालना, एपी इज एक्स, सर आर इज इक्वल टू एल बाय के यूज कर, तो लेकिन हमारा जो कंडक्टिविटी है वो तो कांस्टेंट है नहीं सर, वही इंटीग्रेट करेंगे ना, इंटीग्रेट करेंगे ठीक है। अब देखो ये चीज यहां बता रहा हूं ना, ये चीज वहां भी आ जाएगी हमारे पास में, जैसे तो सपोज ये मेरे पास में रॉड है ठीक है, यहां से x डिस्टेंस पे जाके एक मैंने एलिमेंट ले लिया dx, ये मैंने dx ले लिया, इसमें हीट ट्रांसफर होएगा, इसमें हीट ट्रांसफर यहां हो रहा है ना, तो इस छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा dr, क्या आता है ऊपर आता है लेंथ, तो इसका लेंथ कितना है भाई, यहां से हीट पास हो रहा है ना, जिस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होता है उसका लेंथ ना, कि हीट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, dx अपॉन कंडक्टिविटी, क्या है कंडक्टिविटी, k नॉट 1 प्लस x by L, और इसका एरिया कितना है a, तो ये तो इस छोटे से एलिमेंट का हो गया। अब जो इसके आगे जो एलिमेंट बनेंगे, यहां जो एलिमेंट बनेगा या यहां जो एलिमेंट बनेगा, सारे के सारे एलिमेंट किसमें है, सीरीज या पैरेलल, सीरीज, तो जब सारे जो मेरे रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं, तो जो मेरा रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, R1 plus R2 plus R3 and so on, मतलब कि इसका समेशन इंटीग्रल। तो पहले मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे निकालना है R A to P, तो हमारे पास में क्या लिमिट आएगी, जीरो से x dx upon k नॉट 1 प्लस x बाई एल इन टू ए, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, r ए पी, और वैसे ही इसी इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट चेंज कर दोगे कहां से कहां तक, 0 से l, तो हमारे पास में कहां से कहां तक आ जाएगा, a से b तक का, क्योंकि जो मेरा पॉइंट b है वो x इक्वल टू l पे है, तो बताओ क्या आंसर आएगा, आप इंटीग्रेशन करो,
तो ये बन जाएगा एल, इधर ले लिया तो एल अपॉन के नॉट ए, ठीक है, एल एन वन प्लस एल प्लस एक्स लिमिट जीरो से एक्स, क्या बन जाएगा एल अपॉन के नॉट ए एल एन फाइनल माइनस लोअर, तो एल एन बन जाएगा एल प्लस एक्स अपॉन एल। वैसे ही यहां पे करोगे तो बन जाएगा एल अपॉन के नॉट ए एल एन, यहाँ पे लगाओगे लिमिट तो क्या बन जाएगा एल प्लस एल अपॉन एल, तो एल अपॉन के नॉट ए एल एन, ये बन जाएगा एल अपॉन के नॉट ए एल एन वन प्लस एक्स बाई एल। अब इन दोनों को ऊपर पुट कर देंगे, हमारे पास में आंसर आ जाएगा। क्लियर है? हाँ भाई, किसी को डाउट इसमें कुछ? चिराग, अरे है क्या? राधिका? हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। कर लोगे उसके बाद? तो बस इन दोनों जो वैल्यूज को ऊपर फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, हमारे पास में आंसर आ जाएगा। राइट right. तो यहाँ पे जैसे कि एक है ना वेरिएशन था कि हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी वाज वेरिएबल, सपोज ऐसा नहीं हो, ऐसा और कुछ हो, जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ। सर अगर कुछ भी वेरिएबल हो तो उसको इंटीग्रेट करके नॉर्मली काम करना सही रहता है क्या? यस भाई, अगर वेरिएबल होगा तो तुम उसका पूरा जो अपना रेजिस्टेंस है कैसे निकालोगे? हमको छोटे छोटे एलिमेंट का निकाल सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें छोटे छोटे के एलिमेंट का पता लग गया, तुम्हें पूरे रोड का निकालना है, देन यू हैव टू चेक कि उसमें क्या चल रहा है। है ना? हाँ सर। अब जैसे कि ये सपोज एक हमारे पास में कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, ये एक ये है, इसका तुमको पे रेडियस दिया हुआ है सपोज आर, ठीक है, इसका रेडियस हमको दिया हुआ है टू आर, और ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ये ऐसा बना हुआ, इसका जो लेंथ है दैट इज एल, ठीक है, या फिर ये कर दो आर, मतलब ना आर अपना रेजिस्टेंस के लिए काम में लेते हैं, ये स्मॉल आर, ये टू आर, इसका तुमको अपना कंडक्टिविटी दिया हुआ, कंडक्टिविटी इसके गिवन, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, तो तुम्हें पूछा है आर ए बी कितना होगा, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन फेस ए एंड फेस बी, और हीट ट्रांसफर यहां से हो रहा है, इस फेस से इस फेस की तरफ हो रहा है, पूरा सॉलिड है भरा हुआ, बताओ क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो पहले तो इसमें भी इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इसके अंदर जो चीज, इसमें जो चीज चेंज हो रही है, वन कौन सी चीज चेंज, वो एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है, तो जो हमने पहले किया सेम चीज हम यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, इसको सपोज मैंने ओ बोल दिया, यहां से एक्स डिस्टेंस पे जाके एक मैं एलिमेंट लेऊंगा, ये मैंने एक एलिमेंट ले लिया dx, देखो हीट ट्रांसफर का ये है ना, ये अगर मेरे पास बन गया dx, अब मुझे इसका रेडियस निकालना है, कैसे निकालोगे रेडियस? सिमिलैरिटी लगा के, ठीक है ना, ये ला, ये मैं ला, ये एंगल सपोज मान लो थीटा है, ठीक है, तो ये तो हर जगह के लिए थीटा है,
तो उस वाले कहते ट्राइंगल में लिख सकता हूँ ना कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, नीचे वाला आर है तो यहाँ से यहाँ तक का भी आर हो गया, ऊपर वाला कितना बचा आर, तो क्या बन जाएगा टेन थीटा आर बाई एल। तो ये जो है डिस्क, इसका रेडियस क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो है आर, ये डिस्टेंस है एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स टेन थीटा। तो जो तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा वो क्या बन जाएगा उस एलिमेंट का, तो जब तुम लिखोगे ना डी आर, तो ये तो बन गया तुम्हारे पास में लेंथ और डी एक्स अपॉन क्या होता है के, और इसका एरिया कितना बनेगा डिस्क का, पाई आर स्क्वायर प्लस टेन एक्स, और आर क्या है आर एक्स टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से एल तक, तो यहां से हमारे पास में आर आ जाएगा। अरे आ जाएगा ना, हाँ सर, बस। तो इसमें ऐसा ही होता है वो हर, अब सपोज इसके अंदर पूछा कि व्हाट विल बी द हीट फ्लो, तो ठीक है हीट फ्लो के अंदर अगर हमको कोई टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है तो कोई बात ही नहीं है, हमारा मेन काम तो जो कॉम्प्लिकेटेड जो काम होता है दैट इज टू फाइंड द रेजिस्टेंस, बाकी तो हो ही जाएगा। अरे एक्स टेन थीटा, ये छोटे वाला ट्रायंगल लो, ये वाला ट्रायंगल देखो जो अभी इससे बना रहा हूँ ब्लैक कलर से बना, रेड वाला जो मेरा डिस्क है उसका रेडियस कितना बनेगा मेरा, एक तो ये वाला पार्ट और नीचे वाला, इसकी वैल्यू कितनी है आर, ये तो है ही ना। अब मुझे ऊपर वाला निकालना है, तो ऊपर वाला जो मेरा ट्रायंगल है वो ऐसा बन रहा है ना, ये एंगल थीटा है, ये मेरे पास में एक्स है, ये मुझे फाइंड, सपोज इसको मैंने बोल दिया वाई, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि वाई बाई एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी एक्स टेन थीटा, एंड वेयर टेन थीटा इज कॉन्स्टेंट है ना, मैं उसको आखिरी में जाके रिप्लेस कर दूंगा। आगे इंटीग्रेट करना, वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता ही है तुमको, क्या होता है वन बाई एक्स स्क्वायर का माइनस वन बाई एक्स, फिर बाद में लिमिट लगा देंगे हमारे पास में आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो डी ए होगा ना, डी ए क्यों होगा भाई, पूरा डिस्क है, पूरा डिस्क में से तो अपना हीट फ्लो हो रहा है ना, इंटीग्रल डी ए ले रहे हैं ना सर, हम लोग का एरिया चेंज हो रहा है ना इंटीग्रल, हाँ तो उस इंस्टेंट पे एरिया कितना है, उस इंस्टेंट पे मैं अगर देखूंगा तो पहले मेरे पास में इतना सा एरिया है कि इसमें से हीट फ्लो हुआ, थोड़ी देर बाद में इतना बड़ा एरिया आ गया इसमें से हीट फ्लो हो रहा है, फिर ये आ गया, तो उस इंस्टेंट पे जिस क्रॉस सेक्शन से हीट फ्लो हो रहा है उसका एरिया कितना है, ये है ना, और उस इंस्टेंट पे उसको ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है dx, तो वो जो मेरा डिस्क बना, ये वाला जो डिस्क बना इसका कहना रेजिस्टेंस कितना है। हाँ मुझे उस एलिमेंट का रेजिस्टेंस निकालना है बस, है ना, तो इस टाइप से और भी वेरिएशन आ सकते हैं, वो है ना कंडक्टिविटी को वेरिएबल दे देंगे, कंडक्टिविटी कैन बी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, कैन बी अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, कैन बी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो वो होते रहते हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, जो जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम करते जाएंगे। सपोज एक क्वेश्चन तुमको उसका देता हूँ पैरेलल का, सपोज एक ये वॉल है एक ये वॉल है, इसके पीछे बॉइलिंग वाटर है और वो इनफाइनाइट है, बॉइलिंग वाटर मतलब कंटिन्यूसली बॉइल हो रहा है, उसका टेम्परेचर कितना बन जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, यहां तुम्हारे पास में आइस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अब हीट फ्लो होएगा, हाँ भाई, अगर मैं इन दोनों के बीच में अगर इन दोनों के बीच में मैंने एक ये लगा दी रॉड, एक ये लगा दी,
ठीक है, इसको मैंने बोल दिया रॉड ए, तो मैंने बोला व्हेन रॉड ए इज अटैच, ठीक है, इट टेक्स 2 मिनट टू मेल्ट एम आइस, 2 मिनट के अंदर एम मास का जो आइस था वो मेल्ट हो गया, ठीक है। फिर मैंने यहां पे एक और लगा दिया रॉड, इस रॉड को मैंने बोल दिया बी, तो मैंने बोला व्हेन रॉड बी इज अटैच इट टेक्स 3 मिनट टू मेल्ट एम आइस, नाउ बोथ ए एंड बी अटैच, ठीक है, फाइन। टाइम तो कितना टाइम लगेगा एम मास को मेल्ट होने में, कितना टाइम लगेगा सोचो और करो। तो पहले तो ये देखो कि रॉड ए और बी किसमें है, सीरीज में पैरेलल में, पैरेलल में है, यस। तो कहते हैं सोचो, हाँ भाई, तो पहले तो आंसर की उस पे आते हैं, पॉसिबिलिटी पे आते हैं, क्या आंसर हमारा ग्रेटर देन 2 हो सकता है? आंसर क्या हो सकता है? अरे जब अकेला ही रोड, सुनो, जब अकेला ही रोड, अरे सुनेगा भाई मेरे, जब अकेला रोड
दो मिनट के अंदर आइस को मेल्ट कर सकता है, तो जब मैं एक और रोड लगा दूंगा तो दो मिनट से कम टाइम में लगेगा ना यार, ज्यादा कैसे लग सकता है? हाँ, जब अकेला रोड, तुमको पता है ना टेम्परेचर डिफरेंस एट बोथ द एंड इज सेम, तो अगर पहले वाले के अंदर करंट जा रहा है आई वन, ठीक है, तो वो तो बाद में उतना ही जाएगा, तो पहले वाला कुछ आइस को मेल्ट कर रहा है, दूसरे वाला कुछ ना कुछ तो करेगा ही, तो क्या मेरा टाइम दो मिनट से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं, दो, तो देखो जब तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुमको क्वेश्चन सॉल्व भी ना करना पड़े, पहले तुमको चार ऑप्शन में देखना है कि जो भी तुम्हारे आंसर हैं टू मिनट से नीचे वाले कितने आंसर हैं, अगर टू मिनट से नीचे वाला एक ही आंसर है तो विदाउट एनी कैलकुलेशन यू कैन मार्क दैट ऑप्शन, ठीक है, अगर टू मिनट से ऊपर के ज्यादा, टू मिनट से कम के ज्यादा ऑप्शन है देन यू हैव टू कैलकुलेट, तो स्मार्टनेस इज अननेसेसरी। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो हमने ये कर लिया कि आंसर मेरा टू मिनट से कम आना चाहिए, अब एग्जैक्टली कितना आना चाहिए दैट विल सॉल्व। तो पहले सपोज इसका रेजिस्टेंस आर वन, इसका रेजिस्टेंस आर टू, तो पहले केस में क्या बन जाएगा भाई, केस वन डी क्यू बाई डी टी क्या बन जाएगा, डी क्यू बाई डी टी वन, बताओ भाई क्या होगा, डेल्टा टी अपॉन आर वन है ना, सही, ओके। और जो आइस मेल्ट हो रही है उसका मास कितना है एम, और ये बन गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एम एल एफ, इक्वल टू क्या होना चाहिए टोटल हीट, टोटल हीट क्या हुआ ना करंट इनटू टाइम, भाई हीट करंट इनटू टाइम ना, तो मैंने लिख दिया डी क्यू बाई डी टी वन वाला इनटू कितने मिनट, टू मिनट, सही है, ओके। अब सेकंड वाले पे आते हैं, जब मेरा सिंगल रोड है तो डी क्यू बाई डी टी टू इक्वल टू क्या बन जाएगा डेल्टा टी अपॉन आर टू, उस केस में क्या बन जाना चाहिए एम इंटू एल एफ इक्वल टू क्या बन जाएगा डी क्यू बाई डी टी टू इंटू कितने मिनट, थ्री मिनट, ओके वेरी गुड। अब जब मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया केस थ्री, दोनों कंबाइन कर दूंगा तो डी क्यू बाई जो डी टी मेरा थ्री आएगा वो कितना बन जाएगा डेल्टा टी अपॉन वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू, क्योंकि अब दोनों रेजिस्टेंस किसमें लग गए हैं, सीरीज हाँ पैरेलल में, ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा एम इंटू एल एफ उतना ही मास मुझे मेल्ट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा डी क्यू बाई डी थ्री कितना थ्री इंटू टाइम टी। अब मैंने वैल्यूज को ना पुट कर दो सबको, कर दोगे एम इन टू एल एफ, अरे बताओ बताओ सर, दो तो ये देखो डी क्यू बाई डी थ्री टी इसकी वैल्यू आएगी डेल्टा टी बाई आर वन प्लस डेल्टा टी बाई आर टू, मतलब कि वन प्लस टू एड हो गया, ठीक है, जब कर दोगे तुम्हारे पास में आंसर आएगा वन बाई टी इक्वल टू वन बाई टी वन प्लस वन बाई टी टू, तो वन बाई टी बन जाएगा वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री, टी इक्वल टू आएगा सिक्स बाई फाइव सेकेंड, कम टाइम लगेगा क्योंकि अब हीट सप्लाई करने वाले दो रॉड्स हैं, ठीक है सर, लास्ट स्टेप नहीं समझा, लास्ट स्टेप कौन सा, ये वाला, हां सर, सर मतलब वो डेल्टा टी वाला समझ के उसके बाद हम लोग डी क्यू बाई डी टी वन और डी क्यू बाई डी टी टू, अबे सिंपलीफाई करो ना, तो देखो ये है इक्वेशन वन, ये है इक्वेशन टू, ये है इक्वेशन थ्री, इक्वेशन वन से वैल्यू निकालो डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू क्या आएगी बताओ बताओ, एम एल एफ बाई टू, एम एल एफ बाई टू
प्लस यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी एम एल एफ बाई थ्री, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी एम एल एफ बाई टी। यार कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्टनेस दिखाओ। ठीक है कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि सपोज तुमको ये दे दिया कि सपोज यहाँ का जो है तो आंसर भी हमारा मिनट्स में। सपोज ये यहाँ का टेम्परेचर तुमको दे दिया 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर तुमको दे दिया 80 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बीच का जो ये जो था इसको मैंने अलग अलग उससे किया, मेथड से किया। ये भी लेंथ एल, ये भी लेंथ एल, ये भी लेंथ एल। इसका कंडक्टिविटी के, इसका कंडक्टिविटी 2K, इसका कंडक्टिविटी 3K। ठीक है ये दो जंक्शन है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। मुझसे पूछा गया फाइंड T1 एंड T2, बताओ कैसे करोगे? तो K इक्विवेलेंट निकाल लेते। क्या जरूरत है निकालने की? क्या उसके बिना नहीं कर सकते? तो T1 - 20 और T2 - 20 करके कर सकते हैं। यस भाई, हमको पता है कि ऑल द रोड्स आर इन सीरीज, और सीरीज के अंदर क्या चीज कॉमन है? करंट। हाय सर, तो बस T1 - 20 और T2 - 80 - T2 वाला। लेकिन हमको आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। हाँ सर, तो वो तो हमको पता ही नहीं सर। एल और के टर्म्स में तो है ना। यस, तो हम बोलेंगे सपोज ये दो रेजिस्टेंस है, इसको मैंने बोल दिया R1, इसको मैंने बोल दिया R2, इसको मैंने बोल दिया R3। यस, तो R1 क्या बन जाएगा? R1 बन जाएगा L अपॉन 3K into A। R2 क्या बन जाएगा? हाँ, L अपॉन और R3 क्या बन जाएगा? L अपॉन KA। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूं तो इसका रेजिस्टेंस अगर मैं बोल देता हूं सपोज नहीं, इनका एलसीएम क्या आएगा तीनों का? सिक्स। तो अगर इसका रेजिस्टेंस कितना है 6R, तो इसका कितना आएगा? 3R। 3R इसका कितना बन जाएगा? 2R। ठीक है, अब देख लो, अगर मुझे निकालना है dQ/dt तो उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 80 - 20 अपॉन कितना रेजिस्टेंस है टोटल? 11R। ओके, वही यहाँ से यहाँ का होगा, तो यहाँ से यहाँ के बीच में क्या बन जाएगा? T1 - 20 अपॉन उनके बीच का रेजिस्टेंस कितना है? R3 कितना है? 6R। तो ये लो, हमारे पास में T1 आ जाएगा। यस सर, बस। और मैं ऐसे ही हमारे T2 निकाल लेंगे, और T2 के लिए क्या करेंगे? सर T2 - T1 का कर 80 - T2 अपॉन R1 कितना है? 2R। भाई जितना हीट यहां से यहां गया उतना ही हीट यहां से यहां गया, क्योंकि हीट तो कहीं पे अब्सॉर्ब भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अब देखो ये जो चीज है ना, ये सेम चीज करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या करेंगे? एक हम लगा देंगे बैटरी, ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है? तो ये बैटरी सपोज मैंने बोल दिया 60 वोल्ट, ये मैंने लगा दिया रेजिस्टेंस, एक R1 लगा दिया, एक R2 लगा दिया, एक R3 लगा दिया। ठीक है, ये लो, अब मैं क्या पूछूंगा, ये जो दो पॉइंट है सपोज R1, R2, R3, इसके अंदर मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए एंड बी। तो यहाँ पे टेम्परेचर पूछ रहा हूँ, उस चैप्टर के अंदर मैं पोटेंशियल पूछूंगा। फॉर्मूलाज विल बी सेम है ना, कोई डिफरेंस नहीं है ना? हाँ सर, वी इक्वल टू आई आर लगा। यस, वी इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन एन रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस।
यस हाँ, तो ये सारी चीजें मैं अभी इतना डिटेल में इसीलिए करा रहा हूँ कि बाद में नहीं कराऊंगा, इसलिए प्रैक्टिस अभी, ठीक है भाई। अरे कर लोगे? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। यस हाँ, अभी दो क्वेश्चन कराऊंगा जो कि थोड़े से अलग हैं। तुमने देखा होगा ना कि सपोज एक बात बताओ, अगर मान लो मैंने मुंबई का टेम्परेचर 0 degree centigrade हो गया सपोज, तो क्या सारा का सारा पानी हमारा मतलब आइस में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं सर। क्यों? सर क्योंकि ऊपर पहले एक लेयर फॉर्म होगा आइस का, और फिर वो आइस मतलब एक ये फॉर्म कर लेगा, इंसुलेटिंग लेयर फॉर्म कर देगा। पानी को कन्वर्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए, तुमको हीट कंटिन्यूसली जानी चाहिए, और अगर आइस बन गया तो आइस की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है, ठीक है। तो अगर तुम्हें पानी में कन्वर्ट करना है आइस को, तो बाहर का टेम्परेचर 0 से कम होना चाहिए। और तुमने देखा होगा कभी कभी मूवीज में देखा होगा कि लोग आइस के ऊपर चलते हैं और कहीं पे आइस के अंदर आइस एंड टूट जाती है और उसके नीचे पानी होता है, उसके अंदर डूब जाते हैं वो, है ना? हाँ भाई। हाँ सर। तो ऐसा कैसे? तो देखते हैं। तो सपोज मैंने बोला। वाटर के भी वैसे होते हैं ना? हाँ। वाटर के भी एक्सपेंशन। तो देखो, सपोज ये हमारे पास है वाटर की अपर लेयर है, मतलब कि लेयर, ठीक है? ये अपने अपसाइड वाले लेयर है, यहां पे हवा चल रही है, और विंड का टेम्परेचर जो है वो सपोज मैंने बोल दिया -10 degree Celsius, नीचे पानी रखा हुआ है, ठीक है। तो पानी के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है ना यार, कि हीट ट्रांसफर होएगा क्योंकि पानी का टेम्परेचर कम है। तो और सपोज जो हमारा बॉटम ऑफ द मतलब अर्थ है ना, जहां पे पानी पूरा हमारा रिवर है, ये है हमारे पास में उसका बॉटम, और बॉटम का टेम्परेचर सपोज मैंने बोल दिया 4 degree centigrade है कांस्टेंट। अब बोलोगे सर यहाँ का टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे हुआ? तो यार पता है ना, मैं अर्थ के अंदर जो अपना टेम्परेचर हाई होता है नीचे, क्योंकि अर्थ का जो कोर है उसके अंदर हीट है, इट इज वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, तुमको दिया हुआ है। और ये जो हाइट है ना टोटल, ये हाइट सपोज तुमको दिया हुआ है h, तुमको कंडक्टिविटी दिया हुआ है, तुमको दिया हुआ है कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, कंडक्टिविटी ऑफ आइस गिवन। तो तुमसे पूछा है फाइंड रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ice and water in equilibrium. Equilibrium के अंदर कितना ice रहेगा, कितना पानी रहेगा, वो तुमको calculate करना है। Suppose यहां से यहां तक तुम्हारे पास में ice है, यहां से यहां तक suppose ये y है, ये हमारे पास में water है, तो what will be the ratio? सोचो, क्या ऐसा पॉसिबल है? पहले तो ये सोचना है भाई। देखो बाहर का टेम्परेचर -10 degree है, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैसे भी है हमें नहीं पता, लेकिन बाहर का -10 ही रहेगा। बॉटम का जो अर्थ का कोर है उसका टेम्परेचर सपोज 4 degree है, तो 4 degree ही रहेगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास में आइस बन गई है यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक पानी है, और इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो बताओ जिस पॉइंट पे आइस और पानी दोनों साथ में है, ये लेयर, इस लेयर का टेम्परेचर कितना होगा? जीरो रहेगा ना? जीरो। क्यों? क्योंकि पानी और आइस कौन से टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं? ओनली एट जीरो। तो इस लेयर का टेम्परेचर कितना रहेगा? जीरो। अब तुमको हिंट दे दिया है, अब तुम क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर बताओ। चलो करो, मैं आता हूं 2 मिनट में।
हेलो सर, हाँ बोलो सर, क्या आंसर है? आया क्या? आया कैसे किया सर? x by y is equal to 5 k ice upon 2 k water. देखो भाई, कोई भी चीज है ना इक्विलिब्रियम में कब रहेगी? जब कहीं पे कोई हीट स्टोर नहीं हो रही है, मतलब कि ये जो लेयर है ठीक है, इसका जो अपना टेम्परेचर है वो कितना बन जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ये 4 है, हीट का फ्लो कहां से कहां तक होगा? यहां से इधर, dQ by dt. अगर इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में भी अगर हीट ट्रांसफर dQ by dt ही हो जाए तो मैं कह दूंगा इक्विलिब्रियम आ गया, है ना? ओके, सपोज जो अपना ये है ना क्रॉस सेक्शन एरिया, मैंने ले लिया ये वाला ए, ले लिया ये पूरा, तो मेरे पास में कितना हीट जाएगा भाई? 4 - 0 अपॉन यहां से यहां का वो क्या आएगा, रेजिस्टेंस कितना आएगा? y अपॉन k ऑफ वाटर इनटू a शुड बी इक्वल टू, ये जीरो है, ऊपर कितना टेम्परेचर? -10, तो कितना आएगा? 0 - -10 अपॉन वहां से वहां का रेजिस्टेंस कितना है? x अपॉन k ऑफ आइस इनटू a. तो हमारे पास में रेशो आ गया 4 × kw / y = 10 / kice / x. तो y by x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 2 kw / 5 kice / 5 kw / k ice. इस टेम्परेचर पे रहेगा. अब तुम कह सकते हो कि ये जो भी तुम्हारा एरिया है इसके अंदर जो आइस की जो विड्थ रहेगी वो इतनी ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं रहेगी. ठीक है? हाँ भाई, क्लियर सबको? बाकी लोग, उत्कर्ष सुन रहा है? हाँ सर. ओके, चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं. अब तो इसके अंदर मैंने बोला था कि अर्थ के बॉटम में देर इज समथिंग जो कि हीट सप्लाई कर रहा है. अब सपोज वो अर्थ के सरफेस पे वो है ही नहीं. सपोज एक कंटेनर के अंदर हमने रखा हुआ है पानी को, एक ये ना कंटेनर है ठीक है, इसके अंदर पानी सपोज मैंने भर रखा है, कंप्लीट पानी है और बाहर जो है हमारे पास में एयर जो है इसका टेम्परेचर सपोज मैंने बोल दिया -T डिग्री सेल्सियस. भाई अगर मुझे पानी को आइस में कन्वर्ट करना है तो बाहर का टेम्परेचर 0 से कम ही होना पड़ेगा ना, नहीं तो वो पानी आइस में कन्वर्ट क्यों होगा? ठीक है, तुमको दिया हुआ है कंडक्टिविटी ऑफ आइस दिया हुआ है गिवन, तुमको एल एफ भी दिया हुआ है गिवन. अब बताओ क्या इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि अपने पास में इक्विलिब्रियम आ जाए या फिर सारा का सारा पानी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा? सर इक्विलिब्रियम आएगा ना. क्यों आएगा इक्विलिब्रियम? सर एक बार में सारा का सारा नहीं कन्वर्ट होगा. नहीं भाई, मैं बोल रहा हूँ कि स्टडी स्टेट में क्या होगा. यहाँ पे मैंने बोला आइस का लेयर फॉर्म हो जाएगा. नहीं, यहाँ पे मैंने बोला स्टडी स्टेट में क्या होगा, आइस और पानी रहेंगे. क्यों? अब यहाँ से हीट आ रही है, यहाँ पे हीट जा रही है, सब लोग एकदम खुश हैं. यहाँ पे हीट सब, सर बस हीट जा रही है वाटर से ना, हीट बस जा रही है पानी से, तो भाई कभी ना कभी तो पूरे पानी को आइस में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा. और मान लो अगर मैं पूछूं कि बताओ आफ्टर ए वेरी 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 लॉन्ग टाइम व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ दैट आइस? -T हो जाएगा. क्यों? हीट सप्लाई करने वाला कोई है ही नहीं यार. तो वो जो बाहर वाली जो एयर है
वो उस पानी से हीट को एक्सट्रैक्ट करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगा। यहां तो मेरा अर्थ का कोर था जिसके पास में इनफाइनाइट हीट थी और जो सप्लाई करते जा रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहां प्रॉब्लम है भाई। ठीक है, तो यहां पे अब मैं कहता हूं कि मुझे निकालना है डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आइस लेयर। भाई आइस का लेयर है धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा ना, सबसे पहले कौन सा आइस में कन्वर्ट होगा, सबसे ऊपर वाला, ठीक है, फिर और नीचे 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 नीचे। जब भी तुम फ्रिज के अंदर सपोज कोई अपना कहते हैं कंटेनर रखते हो पानी का भर के, तो आइस सबसे पहले कहाँ जमती है, सबसे ऊपर, कॉर्नर्स पे, सबसे पहले जो है कॉर्नर्स होते हैं उस पे या फिर ऊपर वाली लेयर, फिर वो धीरे धीरे अंदर की तरफ आता है पूरा। तो यहाँ भी सेम चीज होएगी, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो साइड है ना, ये मेरे पास में इंसुलेटर ये वाले, बस जो हीट है वो ऊपर से आ रही है, तो आइस का जो फॉर्मेशन शुरू होगा वो ऊपर से ही शुरू होगा। तो मुझे निकालना है ये चीज, बताओ कैसे करेंगे, आइडिया सर क्या निकालना है? अरे ये और डीएल बाई डीटी निकालना है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आइस लेयर, आइस की लेयर की जो थिकनेस है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी ना। हाँ सर। तो मुझे निकालना है कि किस रेट से होएगा वो, और तुमको अपने कंडक्टिविटी ऑफ आइस दिया हुआ है। सर आइस का टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ज्यादा नहीं होगा क्या? नहीं नहीं बेटा, मैं स्टडी स्टेट में तो आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम बोल रहा हूँ, इनफाइनाइट टाइम पे। अच्छा भाई, इनफाइनाइट टाइम पे तो इक्वल हो जाएंगे ना दोनों के। हाँ हाँ सर। हम लोग ऐसा लिख सकते, क्या लिख सकते बेटा, एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं कि LF इज इक्वल टू कितना हीट जा रहा है, तो एक बार लास्ट फेज दिखाना, ये दो यहाँ वाला। yes. सर आपकी आवाज नहीं, हाँ तो कुछ बोल ही नहीं रहा मैं, तो आवाज कैसे आएगी सर? अगर देखो सर माइनस टी से मैंने एक, अरे रुको रुको, ये देखो सपोज मैंने एक है ना ये ले लिया, क्रॉस सेक्शन ले लिया ये, और किसी इंस्टेंट पे सपोज इतना ये बना हुआ, मैं आइस बना हुआ है, ठीक है, ये जो लेंथ है इसको सपोज मैंने बोल दिया एल, और जो मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया है ये वाला, ये तो अपना क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको सपोज मैंने बोल दिया ए, तो जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसका टेम्परेचर कितना होगा, सबसे ऊपर वाली का इसका टेम्परेचर कितना होगा, इसका टेम्परेचर कितना होगा, जीरो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी है और आइस भी है। ओके, तो अब बताओ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ये लेंथ एल है ये है, कितना हीट फ्लो हो रहा है, हीट फ्लो कहां से कहां की तरफ होगा, ऊपर से नहीं नीचे से ऊपर की तरफ होगा ना ये वाला, तो जो dq बाई जो dt आएगा वो क्या बन जाएगा भाई, जीरो माइनस माइनस t, ठीक है, अपॉन यहां से यहां का रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, हीट को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, L. 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 तो ये तो बन गया लेंथ, अपॉन k k ऑफ इनटू a, ये बन गया। तो मेरे पास जो dq बाई जो dt है वो क्या बन जाएगा, टी के ए बाई एल, ये बन गया, ठीक है। हाँ भाई, ये हीट बाहर गई,
ये हीट बाहर गई तो ये हीट कहां से आई है? नीचे वाले वाटर से। लेकिन पानी के पास से हीट कैसे आएगी? पानी का टेम्परेचर तो अपना जीरो है, लेटेंट हीट। तो ये जो ये लेटेंट हीट है, मतलब कि सपोज एक छोटा सा जो सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट, ये सेगमेंट मेरा आइस में कन्वर्ट हो गया और इसने इतनी हीट को ऊपर है ना भेज दिया, ठीक है। तो अगर उस सेगमेंट की जो विड्थ है वो सपोज मैंने बोल दिया dl, ठीक है, तो इसका वो कितना बन जाएगा, dl into a क्या बन गया उसका वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम into मैंने कर दिया और डेंसिटी, ये क्या बन गया मास, ठीक है, मास into अपना लेटेंट हीट, ये क्या बन जाता है हीट, हीट रिक्वायर्ड, कि इतना हीट है ना रिलीज कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ पे क्या बन जाएगा dq by dt, यहाँ पे क्या बन जाएगा dl by dt, और जो अपने dq by dt है इसकी वैल्यू यहाँ से इनपुट कर दो कि इतना हीट बाहर है ना रिलीज हुआ है। तो इतना हीट अगर बाहर होकर रिलीज हुआ है तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, जो dl by dt into a rho lf should be equal to pka by L. तो क्या बन जाएगा dl by dt, tk l rho lf। इस रेट से तुम्हारी आइस की जो थिकनेस है वो इंक्रीज होगी। अब देखो dl by जो dt है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l, मतलब क्या हुआ, हाँ मतलब जितना l ज्यादा रहेगा उतना धीरे धीरे होगा, मतलब स्लो, मतलब कि अगर तुम्हारे घर के अंदर तुमने आइस को जमाने के लिए रख दिया है तो स्टार्टिंग के एक मिनट में जितनी आइस जमेगी अगले एक मिनट में जैसे जैसे आइस का थिकनेस बढ़ जाएगा तुम्हारा जो है रेट ऑफ चेंज जो है रेट ऑफ दैट क्या बोलते हैं फॉर्मिंग ऑफ आइस वो क्या हो रहा है कम होता जा रहा है धीरे धीरे। तो यही रीजन है कि कोई जैसे कि अगर तुम कहोगे सर मैं हिमाचल वगैरह में जाओगे टेम्परेचर माइनस में रहता, कंप्लीट पानी आइस में कभी कन्वर्ट नहीं होगा, क्यों, जब तुम्हारा थिकनेस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो जो है रेट ऑफ चेंज है जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जो थिकनेस है दैट विल बी वेरी लेस, तो कंप्लीट पानी कभी आइस में कन्वर्ट नहीं होगा, वो इनफाइनाइट टाइम पे होगा। फाइन, हाँ भाई ठीक है, कोई डाउट? अरे कोई डाउट, चलो ठीक है, बस फिर इतना ही करेंगे। इसके सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, काफी ये चीजें बता दी हैं सीरीज पैरेलल की, ठीक है, ओके। सर हीट ट्रांसफर अभी हाँ हाँ क्या बोल रहे हो सर, एचसीवी से हीट ट्रांसफर कर सकते हैं ना? यार हीट ट्रांसफर कर सकते हो, एचसीवी से भी कर सकते हो, तुमको जो मैंने बुकलेट दिया है उससे भी कर सकते हो, सबसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर आपने जो एक भेजा था ना असाइनमेंट हीट ट्रांसफर करके ग्रीन वाला, उससे करना। हाँ ट्रांसमिशन ऑफ हीट वाला, हाँ सर, हाँ हाँ उससे भी करो, सबसे करो। इसमें हीट ट्रांसफर करके क्या ना कंडक्शन में एक लेक्चर और लगेगा जिसके अंदर वो कराऊंगा अपने व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह, सुना है ना? व्हीटस्टोन ब्रिज, हाँ। तो इलेक्ट्रिसिटी वाले जो भी कंडक्शन की चीजें हैं सारे अभी करवा दूंगा, ठीक है, तक इसका प्रैक्टिस करो ताकि इसके क्वेश्चन अच्छे से आ जाएंगे सीरीज पैरेलल के, तो उसके थोड़े से आसान रहेंगे फिर तुम्हारे लिए। चलो बाय बाय।